हेलो, इस वीडियो में हम व्यू टैब के शेयर पॉइंट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो इसमें यह हमारी प्रॉपर्टी कमांड है। प्रॉपर्टी कमांड ये डॉक्यूमेंट की होती है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में हम डॉक्यूमेंट का साइज, पेजेस, वर्ड, टाइटल, ऑथर इत्यादि को देख सकते हैं और कुछ एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट टैब के ऊपर जाएंगे। इंसर्ट टैब के ऊपर जाने के बाद यह हमारा पेजेस ग्रुप ओपन हो जाएगा। इसमें हम कवर पेज कमांड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे कवर पेज यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें हम कोई भी यहाँ से ऑप्शन लेंगे। जैसे ये ऑप्शन हमने अपने डॉक्यूमेंट में लिया, यहाँ पे क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद यह हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा कवर पेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेट है यहाँ पे डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डेट यहाँ से लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कौन सी डेट यहाँ पे सेट करनी है, यहाँ पे डेट को सेट करेंगे। जैसे टुडे अगर यही डेट चाहिए या कोई और डेट चेंज करनी है तो हम यहाँ से डेट चेंज कर देंगे। टुडे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया, ये डेट यहाँ पे आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे डेट सेट कर दी। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल, इसको अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे क्या देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल बायस ज्ञान टेक ये डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया और डॉक्यूमेंट सब टाइटल यहाँ पे कुछ सब टाइटल देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यशपाल सिंह, ये डॉक्यूमेंट सब टाइटल यहाँ पे दे दिया। ये देने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, ये नीचे यहाँ पे यूज़र पे कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी नेम कुछ भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया आईटी, ये दे दिया। देने के बाद फिर क्या करेंगे, हम व्यू टैब के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ये हमारी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसमें साइज नॉट येट सेव्ड, अभी तक ये साइज नहीं आया है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया हुआ है। जब हम डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे तो ये साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे। सेव पे जाने के बाद इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको सेव किया, NM नाम से इसको यहाँ पे सेव कर लिया ये। तो सेव करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे, व्यू टैब पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये सेव फाइल सेव होने के बाद यहाँ पे इसका साइज़ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया ये 323 KB, ये फाइल का साइज जो है यहाँ पे आ गया ये। इसके बाद ये शो कर रहा है पेजेस कितने हैं, यहाँ पे 2 पेजेस हैं। इसके बाद वर्ड 7 है ये। इसके बाद टोटल एडिटिंग टाइम ये हमारा 5 मिनट्स है। इसके बाद टाइटल बायस ज्ञान टेक ये टाइटल है। तो यहाँ पे ये हमारा इसकी डॉक्यूमेंट की जो भी हमने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम ये प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये टाइटल हमने यहाँ पे चेंज करना है तो हमने यहाँ पे इसको मिटा के कुछ भी टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर और भी कुछ चेंज करना है, जैसे ऑथर, यहाँ पे हमें ऑथर चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑथर बाय ST, ये ऑथर यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो प्रॉपर्टी का
नेम यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा NM। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे समरी में हम यहाँ पे ये टाइटल ये दिया हुआ है, अगर हमने यहाँ पे चेंज करना है तो इसको चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये जैसे सब्जेक्ट मैंने चेंज किया, कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया, ऑथर बाई ST यही रखा, कंपनी IT यही रखी। इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी चेंजिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो जनरल टैब में ही हमारे पास ये आएगा, जैसे ये टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये लोकेशन कौन सी है, ये कहाँ पे सेव है, ये जैसे ये देखो सी डॉक्यूमेंट्स में है, ये साइज का ये 323 KB का है ये। इसके बाद क्रेडिट ये आ जाएगा, क्रेडिट मॉडिफाइड, तो इस हिसाब से ये जनरल में ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर स्टैटिक्स में देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्रेडिट मॉडिफाइड, ये हमारा एक्सेस्ड ये कब किया ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आने के बाद ये हमारे पेजेस यहाँ पे शो कर रहा है, ये पैराग्राफ शो कर रहा है, लाइन शो कर रहा है, ये वर्ड्स, इसके बाद करेक्टर्स जितना भी है ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कंटेंट्स ये लिखा हुआ है, जैसे कौन कौन से इसमें कंटेंट्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल बायस गैनटेक, ये यहाँ पे आ गया ये। इसके बाद कस्टम, यहाँ पे कस्टम में ये हमारा शो करेगा नेम्स वगैरह, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। टाइप कौन सा चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए या यहाँ पे नंबर कुछ भी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट होगी। सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो हमने जो जो चेंजिंग की वो चेंजिंग यहाँ पे आ जाएगी। देखो हमने यहाँ पे यशपाल सिंह, ये हमारा सब टाइटल था, यहाँ पे कंप्यूटर ये आ गया ये, और ये हमारा ये जैसे यूज़र यहाँ पे बाई ST ये हमने ऐड किया, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ कमांड में हम डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप MS वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।